मैं चंडीगढ़ से हूँ और ये बिजनेस करने से पहले मैं अपनी टीचिंग जॉब में था और आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद माई जॉब बहुत कोई ज़्यादा तंगी नहीं थी मगर अचानक ये बिज़नेस मिला और इस बिज़नेस का ये पता नहीं था कि इतना पोटेंशियल है इसमें बिज़नेस तो किया था कि वैसे चलो थोड़ी बहुत ही एडिशनल इनकम आ जाएगी मगर अब इसमें आके पता चला कि इट्स ए ह्यूज बिजनेस इसका पोटेंशल बहुत बड़ा है और आज हम बहुत सक्सेसफुल हैं इस बिज़नेस में वी आर डायमंड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर और हम बहुत खुश हैं इस बिज़नेस में आप भी इस बिजनेस को कर सकते हो ये बिजनेस कोई मुश्किल नहीं है इट्स वेरी सिंपल बिजनेस मगर इसके लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा जो हमने सीखा आपको वो कुछ काम करने पड़ेंगे जो सक्सेसफुल लोगों ने किए और कोई भी आदमी अगर उसके कोई ड्रीम है अगर उसके कोई जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो ये बिजनेस वो कर सकता है बड़े आराम से आपके साथ बड़ी स्ट्रांग सा अपलाइन है जो हर दम आपकी हेल्प करेगी वो दे आर हैविंग वेरी वेस्टेड इंटरेस्ट इन यू मेरे को कोई शक नहीं है कि आप नहीं करना चाहते तभी आप ये कैसेट सुन रहे हो क्योंकि आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाहते हो और बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो अदरवाइज आप ये कैसेट सुनते ही ना तो इस बिजनेस को करने के लिए आप कुछ लोगों से बात करनी पड़ती है इसमें कुछ लोगों को बिजनेस में लाना पड़ता है कुछ लोगों की हेल्प करनी पड़ती है तो आप कुछ लोगों के पास जाओगे उन्हें प्लान दिखाओगे और वो कई तरह के लोग हैं स्टार्ट में एट द फर्स्ट साइट एवरीबडी डोंट ज्वाइन दिस बिजनेस तो कई तरह के लोग आगे से क्वेश्चन करते हैं कई तरह के ऑब्जेक्शन करते हैं हमें उन लोगों से मिलना होता है दोबारा फिर और उनकी बात को ध्यान से सुनना होता है उनके ऑब्जेक्शन को दूर करना होता है और सिंसियरली उनमें इंटरेस्ट लेकर उनकी हेल्प करनी होती है उनको बताना होता है कि जो आप सोच रहे हो वो ऐसा नहीं है एक्चुअली में ये उतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हो तो मेरा मेनली uh, मैं आज, आज आपसे यही बात करूंगा कि जो लोग आपके आप अब ऑब्जेक्शन करते हैं जो आप उनके एक्सक्यूजेज होते हैं वो उनको हैंडल कैसे करना है अपने तो ज़्यादातर लोग क्या बातें करते हैं बिज़नेस प्लान देखने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है मैं बिज़ी बहुत हूँ मेरी कन्विंसिंग पावर नहीं है मेरा सर्कल कम है मेरी कुछ नीचे इस तरह की बातें लोग करते हैं तो इस तरह के ऑब्जेक्शन जब लोग करते हैं तो पहली बात यह है कि ऑब्जेक्शन जो होते हैं वो उसको आप ये मत समझोगे वो बिजनेस नहीं करना चाहते ये जो ऑब्जेक्शन एंड ये जो क्वेश्चन होते हैं दे शो देर इंटरेस्ट आप इसको अलग पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो हो सकता है कि वो न, उनके मन में ये हो कि काश हमारे पास टाइम होता हम ये बिजनेस भी करते उसका ये मतलब नहीं है कि वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है तो वो नहीं करना चाहते तो ये बात मन में रखनी चाहिए कि वो हो सकता है वो करना चाहते हों और उनकी जो मजबूरी है वो सोचते हों कि अगर ये मजबूरी ना होती तो हम भी करते तो जब ये क्वेश्चन लोग आपसे करेंगे मोस्टली तो पहली बात तो यह है कि ये देख लेना चाहिए कि उनके क्वेश्चन जेनुअन है कि जस्ट आपको वैसे ही मना करने के लिए वैसे बहाना ही ढूंढ रहे हैं कोई ना कोई तो उनकी जेनुअननेस कैसे पता चलेगी अगर आपने प्लान उनको प्रॉपर पॉस्चर से दिखाया है और उनको सही इन्फॉर्मेशन दी है आप ज्यादा पूछी नहीं हो रिपल्सिव नहीं हो ज्यादा वो और चाहेंगे और इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो वो उस इन्फॉर्मेशन को बड़े ध्यान से बड़े सही तरीके से आपने देनी है उनको ये इन्फॉर्मेशन प्लस कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपने अपनी लाइकिंग डेवलप करनी है उनके अंदर इफ़ दे लाइक यू दे लाइक यूर थिंक जल्सो अगर वो लोग हमें लाइक like ही नहीं करते हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है तो वो हमारी बातों को हमारी चीज़ को एम को भी लाइक like नहीं करेंगे तो सबसे पहले है कि हमारी जो पर्सनल हाइजीन है जो बहुत बढ़िया होनी चाहिए और आप शार्पली ड्रेस्ड हो आप माउथ स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं और किसी तरह के आप आपसे बैड ऑर्डर नहीं आनी चाहिए आप स्माइलिंग फेस हो आपका तो आप उसके घर में जाते हो बात करते हो तो यू मस्ट आइडीफाई देम आपको कोई बात अच्छी लगी लगती है उनके घर में तो उनके बारे में बात करो और जो उनको टॉपिक पसंद है जो उनका टॉपिक है उस पर बात शेरो क्योंकि दे विल फील ईजी उनको अच्छा लगता है ऐसी बातें करने में स्माइल एक बहुत बड़ी पावर है इज ए बिजनेस बिल्डिंग टूल भगवान ने सिर्फ आदमियों को इंसानों को ही ये पावर दी है स्माइल करने की तो स्माइल ज़रूर करनी चाहिए ऑलवेज स्माइलिंग मैंने मेरी डा, डायमंड डेविड शोर है मैं उनसे एक बार पूछा था कि स्पॉसरिंग का रेट कैसे बढ़ाना चाहिए तो उन्होंने मेरे को मेल में कहा था कि जस्ट स्माइल 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 एवरी बॉडी विल बी इन योर ग्रुप तो उन्होंने चार बार स्माइल क्यों लिखा था कि स्माइल को इतना उन्हें एम्फेसाइज किया कि इतनी इतना बढ़िया टूल है तो ये आप एम वे डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको स्माइल करना तो आ, आना चाहिए आप डाल वे स्माइल बिग और नोडिंग एंड आई कंटैक्ट आई कंटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है आई कंटैक्ट से क्या होता है कि हम कुछ छुपाते नहीं हैं जो लोग कुछ छुपाते हैं वो आई कंटैक्ट नहीं करते वो इधर उधर आँख को घुमा कर बात करते हैं आँख में आँख नहीं डालते सच्चे लोग आँख में आँख डालते हैं और हमने कई बार पंजाबी में कहते भी हैं लोगों को भी तू आँख आँख सीधी क्यों नहीं करता मेरे से आँख सीधी करके बात कर क्योंकि जिन लोगों के मन में वो वालफरेब होता है वो आंख सीधी नहीं करते वो आंख नहीं मिलाते और जब हम आंख मिला के बात करते हैं तो जो कहने की जरूरत ही नहीं है कि मैं सच बोल रहा हूँ इट्स ऑलरेडी ट्रूथ एंड नोडिंग नोडिंग क्या होती है कि हम ऐसे जैस मोड में सिर हिलाते हैं तो ये इससे भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जब आप किससे बात करते हो तो वो नोडिंग करो थोड़ा सिर को हिलाओ और ऑलवेज लिसनिंग मोड में रहो सुनना सुनना चाहिए उन किसी की बात को आधे में मत काटो उनकी पूरी बात सुनो अगर कोई बात का करना चाहता है आपका प्रॉस्पेक्ट तो आप उसकी बात को वैसे काट देते हो तो आप उनको ये मैसेज दे रहे हो कि आप इतने मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो तो आप उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनो उनके ऑब्जेक्शन को बड़े ध्यान से सुनो और सुनने के बाद थोड़ा सा पॉज देकर उनकी बात का जवाब दो इससे उनको लगेगा कि मेरी बात को पूरा सुनकर सोच कर जवाब दिया है अगर हम उनकी बात रास्ते में ही काट देते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता तो हमने उनको आइडीफाई करना है और ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं इस बिज़नेस में ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आजकल कॉर्पोरेट लाइफ में ज़्यादा लोग कहते हैं कि मैं बिज़ी बहुत हूँ मेरे पास टाइम नहीं है मैं ये बिजनेस कर नहीं पाऊँगा एक्चुअली ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ये कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं मैं नहीं कर पा रहा हो सकता शायद वो कहता हो शायद कोई अल्टरनेटिव हो कि मैं कर पाऊँ तो आपने उनका जवाब क्या देना है आपने वो फील फेल्ट फाउंड एक बहुत बढ़िया बात है हमारे बिजनेस में कि हम वो कहते हैं कि आई फेल्ट द सेम वे यू आर फीलिंग टूडे बट लेटर आई फाउंड दैट इट वॉज नॉट करेक्ट फील फेल्ट फाउंड कि जैसे आप सोच रहे हो जब मेरे को जो बिज़नेस प्लान दिखाया गया था तो मेरे मैं भी यही सोचता था कि ये मेरे से मेरे पास टाइम नहीं है मैं नहीं कर पाऊंगा फिर मैंने जब ये बिज़नेस को थोड़ा और देखा और इसके अंदर आए फिर देखा कि यार नहीं टाइम की तो ज़रूरत नहीं है टाइम को इतना ज़्यादा तो चाहिए नहीं इस बिज़नेस में ये तो हो जाता है ये तो हमारे अनप्रोडक्टिव टाइम है जो उसको हम अगर यूज़ करें तो इस बिज़नेस को हम कर सकते हैं क्योंकि वो वेर देर इज़ ए वेल देर इज़ ए वे हमें जब छोटे स्कूल में होते हैं तब से ये बात पढ़ाई गई है कि जहाँ चाह वहाँ रहा जब कोई मन में चाहत होगी तो रास्ता तो निकल ही आएगा अगर टाइम नहीं है तो टाइम मिल जाएगा मगर उनको आदमी उसको पता नहीं होता नए आदमी को वो सोचता है शायद बड़ी भगदड़ करनी पड़ेगी बड़ा दिन रात भागना पड़ेगा नहीं ये बिज़नेस पार्ट टाइम में अच्छा चलता है फुल टाइम से अपनी नौकरी के साथ साथ हमने जो बिज़नेस बिल्ड किया है जब मैंने जो बिजनेस शुरू किया था तो तब मैं सरकारी नौकरी में था चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में था मैं सोचता था शायद मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं साथ में और भी कई कुछ करता था मगर जब इस बिज़नेस में आए तो विल तो थी जब पता चला कि इसमें बहुत कुछ है इस बिज़नेस का पोटेंशियल पता चल गया जब बहुत कुछ है तो फिर हमने टाइम निकालना शुरू कर दिया और टाइम निकला है और आपके सामने हम डायमंड बन गए हैं और हम हमारी मंजिल है क्राउन बेस्टर हम चले जाएंगे क्योंकि हमें अपने टाइम को मैनेज करना आ गया इस बिज़नेस में जो हमारा विनर्स सिस्टम है वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा कि कैसे हमने अपने टाइम को मैनेज करना है कैसे अपने टाइम को अपने प्रॉपरली यूटिलाइज करना है और पूरी टीम आपके साथ होती है और आप इस बिज़नेस को बड़े आराम से कर सकते हो टाइम की इतनी बड़ी बंदिश नहीं है कई लोग ऐसे हैं हमने इस बिज़नेस में देखे हैं जो जिनके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं होता जिन जो कारपोरेट लाइफ में दस बजे ग्यारह बजे रात को घर आते हैं सुबह नौ बजे जाते हैं उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है ऐसे लोग भी इस बिज़नेस में प्लाटिनम है और एक बहुत बड़े लीडर ने एक बार कहा था कि अगर आप जल्दी से डायमंड जाना चाहते हो तो ऐसे लोगों को बिज़नेस में स्पॉन्सर करो जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है क्योंकि उनके पास टाइम क्यों नहीं है क्योंकि उनको टाइम की वैल्यू का पता है वेले लोग कौन होते हैं जो वेले रहते हैं क्योंकि उनकी वर्क हैबिट नहीं होती डेट्स वेले, वेले आइडल लोगों का काम नहीं है ये सिर्फ बिजी लोगों का काम है प्रोफेशनल लोगों का काम है जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाना चाहते हो तो आप कौन से डॉक्टर को पसंद करोगे जो वेला रहता है जिसके बाद कभी कोई मरीज ही नहीं गया आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे जहां लाइनें लगी होती हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल है किसी वकील के पास जाओगे तो ऐसे के पास जाओगे कि जिसके पास टाइम ही नहीं है क्योंकि जो बढ़िया लोग होते हैं जिनकी वर्क हैबिट होती है जिनके पास उसको होता है कुछ होता है उनके पास टाइम कम होता है और वो फिर भी करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं तो आप कर लोगे जो कोई बड़ी बात नहीं है जस्ट नोडिंग करनी है स्माइल करनी है उनकी बात को सुनना है और उनको ये विश्वास दिलाना है उनके ड्रीम की बात करनी है एंड दे विल ज्वाइन दिस बिजनेस और कुछ लोग आपको ये कहते हैं कि मेरी कन्विंसिंग पावर नहीं है मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा लोगों को ये बात किसी को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है वी डोंट कन्विंस वी डोंट फोर्स वी डोंट कंपेल वी जस्ट गिव द इन्फॉर्मेशन वी गिव द राइट इन्फॉर्मेशन हम लोगों को जस्ट फैक्ट्स एंड फिगर बताते हैं हम लोगों को कन्विंस करके बिजनेस में ले कर नहीं आते हम सिर्फ लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसे हमें राइट right लोग मिल जाते हैं सही लोग मिल जाते हैं जो ये बिजनेस करना चाहते हैं हम उनकी मदद करते हैं हम हर एक को कन्विंस करके इस बिज़नेस में नहीं लड़ना चाहते हम सिर्फ सही लोगों की तलाश में है वो लोग हमें मिल जाएंगे जब हम उनको प्लान दिखाएंगे उनकी बात करेंगे उनके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे प्रॉपरली तो वो लोग हमें मिल जाएंगे दिस बिजनेस इज चूजिंग द राइट पीपल तो राइट right लोग आपको मिल जाएंगे अगर आप ये बताना है हमने उस आदमी को जो हमारे सामने है कि कैसे हम कन्विंस करना नहीं है किसी को क्योंकि कन्विंस तो होता है कि बस जबरदस्ती किसी को अपनी बात पे लेके आना कोई नहीं आता तो सही इन्फॉर्मेशन अगर देंगे प्रॉपरली देंगे विद द राइट फोर्स और पीपल विल जॉइन योर बिजनेस कुछ लोग ये समझते हैं शायद कि जो उन लोगों का काम है जिनका सर्कल बहुत ज़्यादा है जिनका बहुत बड़े लोग जिनको जानते हैं शायद वो डायमंड जाते हैं मैं गांव का रहने वाला हूं गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में हम चंडीगढ़ में शिफ्ट कर गए थे जस्ट के बच्चों को अच्छे स्कूलों में एजुकेशन देंगे मगर चंडीगढ़ में सबसे पहले मैं डायमंड गया हूँ सर्कल मेरा ज़्यादा था चंडीगढ़ के उन लोगों का ज़्यादा था जो चंडीगढ़ में रहते हैं बहुत देर से तो ये बात साबित होगी ना कि सर्कल की जरूरत नहीं होती और अगर सर्कल वाले इसमें डायमंड जाते तो सारे डी सी एम एल ए जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब जिनके बहुत बड़े यूनियन के लीडर थे वो सब डायमंड होते वो नहीं है तो ड्रे... सर्कल का होना ये आपका मतलब जो बात आप कह रहे हो वो सच कह रहे हो मगर आपको अभी पूरा पता नहीं है आपको पूरा ज्ञान नहीं है और जब आप पूरी तरह जान जाओगे इस बिजनेस को तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें बहुत बड़े सर्कल की जरूरत नहीं है आपको कुछ अच्छे लोगों की ज़रूरत है जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं सिर्फ हम उनकी हेल्प करेंगे मिलकर और हम ये बिजनेस कर लेंगे तो अगर आप उस आदमी को विश्वास दिलाना है उसको ड्रीम को सामने रखना है कि उसको क्या चाहिए इस बिज़नेस में वो क्यों क्यों ये सब बातें पूछ रहा है तो उसके इर्द गिर्द ही हमारी हर बात को जो है हमने वाउंड करना है कुछ लोग जैसे दे कह कहेंगे आपको कि मेरी नेचर नहीं है मैं थोड़ा आदमी दूसरी किस्म का हूँ मैं ये मैं किसी से बात नहीं कर सकता मेरी नेचर ऐसे है तो ये कोई स्ट्रेंथ नहीं है मैं तो सीधा कह देता हूँ कि अगर आप किस से बात नहीं कर सकते तो इसका ये नहीं है कि ये कुछ आपको सेल्फ इमेज को ऊँचा करेंगे जब हम सीखेंगे और बिजनेस को टीम के साथ मिलेंगे आप लीडर्स को मिलेंगे तो आपका सेल्फ इमेज आई हो जाएगी जब सेल्फ सेल्फ इमेज आई हो जाएगा तो अपने आप ही हम बातों लोगों के बात करने लग जाएंगे हमारी ये नेचर बन जाएगी तो ये एक स्किल है तो स्किल आएगी जब आप लोगों से बात करना स्टार्ट करोगे तो ये स्किल आस्ते आस्ते आपकी प्रफुल्लित हो जाएगी शुरू शुरू में मेरे को भी यही प्रॉब्लम थी मैं किससे बात नहीं करता था आई वाज वेरी शाही मैं कहता मेरी नेचर नहीं है मैं कैसे कहूँगा किससे क्या बोलूँगा मगर जब मैं बिजनेस में आया थोड़ा सीखा लोगों को देखा बुक्स पढ़ी टेप सुनी लोगों से बात की बेशक नोज मिली मेरे मेरे को नोज भी मिली मगर नो से आदमी ग्रो आता है जैसे जैसे नो मिलती जाती है तैसे तैसे हम हमारी ग्रोथ होती है और आज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आज हम किसी से भी बात कर सकते हैं तो ऐसे ही आप जब आ, इस बिज़नेस में आओगे तो हम पूरी टीम आपके साथ हैं आपको सिखाएंगे तो ये आस्ते आस्ते पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है इस बिज़नेस में बहुत ग्रोथ हो जाती है अकेला पैसा नहीं आता इस बिज़नेस में पैसा तो बहुत है इसमें बहुत आते हैं पैसे मगर पैसे के अलावा जो और बातें हैं इसमें वो बहुत बड़ी हैं पर्सनैलिटी की ग्रोथ होती है और ग्रोथ होती है प्रोसेस में जब आप बिजनेस में प्रोसेस में हो जब आप वो काम कर रहे हो जो हमें करना चाहिए थोड़ा ठीक तरीके से प्रॉपरली तो अपने आप नेचर जो है वो बढ़िया हो जाएगी पीपल विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग एंड पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग यू कई लोगों को ये शक होता है कि उनका ये डर होता है कि मेरे दोस्त ने बिज़नेस किया था और वो कामयाब नहीं हुआ मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ वो बिज़नेस में आए थे मगर उनका चला नहीं तो उनका नहीं चला तो उनका कारण होगा ना उन्होंने सीखा नहीं होगा जो लोग सीखेंगे वो तो कामयाब होते हैं आपके सामने इतने लोग कामयाब हो रहे हैं हम उनको ये यकीन दिलाएंगे कि जो आदमी सीखता है वो काम जब होगा जो स्कूल ही नहीं जाता कभी जिसने कभी टेप नहीं सुनी वो कैसे कोई काम करेगा तो वो आपका दोस्त जो दोस्त जो था उसकी परिस्थितियाँ क्या थी तब ये ये हम कैसे बता सकते हैं मे बी उसका कोई ऐसा उसको प्रॉब्लम हो बिजनेस को मीटिंग फंक्शन में ना गया हो उसका बिलीफ ना बना हो तो ऐसा कुछ हो सकता है फेल तो हर फील्ड में लोग होते हैं मगर इसमें अगर आप सीखना लग जाओगे अगर आप विनर सिस्टम में प्लग हो जाओगे तो फेल होने का कोई चांस नहीं है ऐसी बातें लोग करते हैं मतलब मेन हमने जो उनको यही विश्वास दिलाना है कि नोडिंग करना है स्माइल करना है उनकी बात को ध्यान से सुनना है और उनकी स्टीम को ऊपर रखना है थोड़ा कि उनको हर्ट नहीं करना है आपने और एक फ्रेंडली पोस्चर में उनसे बात करनी है तो सो दैट उनको लगे कि जे कोई मेरे को यूज करने वाले नहीं हैं जे मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं तो ऐसे हम अगर सिस्टमेटिकली उनको ये बातें समझा देंगे तो कोई मुश्किल नहीं है कुछ लोग आपको आप ये भी कह जाते हैं मैं अपनी ज़िंदगी में सेटिसफाइड हूँ तो सेटिसफाइड तो कह सकते हैं लोग कुछ भी कुछ एक्चुअली जो बात को आदमी कह रहा होता है उसके पीछे बिटवीन दी लाइन अगर आप स्टडी करो तो कुछ चीज़ और होती है वो बाहर से बोलता कुछ और है लिटरल मीनिंग को और और होता है मगर उसके पीछे जो भावना होती है वो कोई और होती है तो सेटिस्फाइड जनरली लोग ऐसे बोल देते हैं जिससे ईगो होती है और ईगो को हर्ट नहीं करना हमने ईगो की कि, किसी को ईगो को रिकोगनाइज़ करना है और उनको बताना है कि हम तो सेटिस्फाइड हैं अगर मगर हमारा कुछ और लोगों के प्रति भी हमारा कोई फ़र्ज है हमारे बच्चे हैं हमारे पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स ने हमारी एजुकेशन के लिए क्या क्या नहीं किया और हमारा फ़र्ज़ बनता है उनके लिए कुछ करने के लिए तो हम तो सेटिस्फाइड हैं कि मगर उनके लिए क्या हम उनकी ज़रूरतें पूरी तरह पूरी कर रहे हैं क्या हम चाहते हैं कि हमारे मम्मी डैडी जो हैं वो हमारे लिए अपना पेट काट काट कर हमें पढ़ाते रहे क्या हम उनके लिए वो बहुत बढ़िया काम करना चाहते हैं उनको सुख देना चाहते हैं तो वो थोड़े मूव हो जाते हैं इस बात से बच्चों के प्रति कह देते हैं कि अगर हमारे बच्चे हैं आप चाहते हो कि उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन मिले और वो बड़े ग्रो करें सिस्टम की जो वैल्यूज़ हैं जो प्रिंसिपल्स हैं और जो इसमें एथिक्स एंड जो डिसिप्लिन एंड डिसेंसी सिखाई जाती है पैसे के साथ साथ उनको मिले कौन आदमी है जो आगे नहीं बढ़ना चाहता उनके ड्रीम को टच करो उनके दिल को टच करो तो वो मान लेते हैं साथ में हम जैस मोड में रहना है थोड़ा नोडिंग करनी है और डील क्लोज करने की कोशिश करनी है वहीं कोशिश उनको कहना है कि जो लेट स्टार्ट दिस बिजनेस तो वो लोग कई आपको वो वो सोच रहे होते हैं कि शायद ये हमें कहे कि लेट स्टार्ट दिस बिजनेस तो क्योंकि अपने आप कोई नहीं कहता कि जो स्टार्ट मीट टू दिस बिजनेस कई ज्यादातर लोग हम कहते नहीं हैं ऐसे क्योंकि हम अंदर से डरते हैं कि कहीं मना ना कर दे अगर मना करेगा तो दिल टूट जाएगा कि दिल को बचा के रखो पूछो ही मत कि करना है कि नहीं करना तो उससे पूछ लेना चाहिए जब उसके क्वेश्चन सॉल्व हो अगर आप नोडिंग करोगे स्माइल करोगे तो वो भी जैस मोड में आ जाएगा जब वो जैस मोड में आ जाएगा तो आपकी बात थोड़ा मानने लग जाएगा पर आप, आप कहोगे कि जो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है अगर मैं प्लस मेरी टीम मिलकर आपकी हेल्प करें कैन यू गिव गेवे ट्राई टू दिस बिजनेस तो साथ ही ऐसे थोड़ा नोट करेंगे थोड़ा आई कन्टैक्ट रखेंगे तो आदमी भी नोट करने लग जाएगा वो कहेगा हाँ फिर तो देखा जा सकता है फिर तो हम कर सकते हैं फिर तो ट्राई कर सकते हैं तो इमीडिएटली उस आदमी को बिजनेस में स्टार्ट करना चाहिए कई तरह तरह के क्वेश्चन लोग और भी आपको करेंगे कोई कहेगा मेरे को पैसा बहुत अच्छा पैसा अच्छी चीज़ नहीं है पैसा डिके कर देता है बहुत पैसा जो है वो बच्चे खराब हो जाते हैं ऐसी बातें लोग करते हैं तो पैसा मेरा तो ये ख्याल है कि मनी इन दै हैंड जॉफ ए बैड मैन इज बैड मनी यानी मनी इन देंड ज गुड मैन इज ए गुड मनी पैसा अपने आप तो ना मंदिर में जाता है गुरुद्वारे जाता है और ना ही शराब के ठेके में जाता है ले जाने वाले तो हम ही होते हैं तो इसलिए उसकी बात को काटना नहीं है उसकी बात को ये कहना है कि आप बिल्कुल सच कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो मगर थोड़ा सा मगर लगा दो उसके बाद कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो आप बिल्कुल सोलह ने सच कह रहे हो और अपनी बात भी आप कह दो तो पैसा मैंने सुना था किसी से के भगवान के सामने हम क्या क्या अर्पित करते हैं सिर्फ अच्छी चीज़ें ऑफर करते हैं कभी हमें गंदी चीजें भगवान के सामने अर्पित नहीं करते तो मनी इज नॉट बैड मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ बट मनी अफेक्ट्स एवरीथिंग पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है पैसे के बिना तो जिंदगी अधूरी है बेसिक जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है और चीजें बहुत इंटेंजिबल बहुत हैं बिजनेस में अकेले पैसे के लिए हमें जो बिजनेस नहीं कर रहे इसमें जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है जो आपकी मॉरल ग्रोथ होती है वो वो बहुत बड़ी चीज़ है पैसे से भी ज़्यादा चीज़ है कई लोग समझते हैं कि शायद इसमें बहुत भगदड़ होगी दिन रात भागना पड़ेगा उनको ये विश्वास दिलाना है कि नहीं हमने अपनी नौकरी के साथ साथ ये बिज़नेस किया है और अगर हम प्रॉपरली इस बिज़नेस को करें तो इसमें कोई ज़्यादा भगदड़ करने की ज़रूरत नहीं है उनकी बात को नहीं काटना अपने उनकी बात को बड़े तरीके से मोल्ड करके उनको समझाना होता है और कई तरह के लोग कई तो ये कहते हैं कि जी मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ मेरे पास अभी मेरे को टाइम दो सोचने का मैं वाइफ से सलाह करूंगा अभी पेरेंट्स के सलाह करूंगा तो जो लोग कहते हैं कि अभी मेरे को कुछ, कुछ टाइम दे दो सोचने का मैं सोच के आपको बताता हूं तो मैं तो कहता हूं कैसे सोचोगे घर बैठ कर क्या मेडिटेशन में बैठ कर अब आप सोचोगे आपने सोचना है जरूर सोचो मगर आप बिजनेस ज्वाइन कर लो बिजनेस ज्वाइन करने के बाद अब नब्बे दिन है आपके पास आप देखो भी क्या जी टीम कह रही थी कि हम आपकी हेल्प करेंगे जरा सिस्टम आपकी हेल्प करेगा क्या सचमुच ये मेरी हेल्प कर रहे हैं कि ऐसे झूठ बोल रहे थे तो नब्बे दिन में आपको पता चल जाएगा अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो बिजनेस से बाहर जाइए और अपने पैसे ले जाइए क्योंकि कंपनी मनी बैक रिफंड है नब्बे दिन के अंदर अंदर यू कैन रिडीम योर मनी मगर अगर, अगर आपको अच्छा लगा मैं गारंटी करता हूँ कि जो इतने अच्छे लोग हैं वे में जो आपके एलो में हो गए यू विल रियली अप्रिशिएट दें क्योंकि आज हमारी फर्स्ट मीटिंग है सेकेंड मीटिंग है उनको यकीन दिलाना है आप जैसे जैसे मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मेरी अपलाइन में लोग हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं आप उनकी मित्रता चालीस रुपये में कभी नहीं बेचोगे आप कभी भी चालीस रुपया कंपनी से वापस जर्नली नहीं लेते लोग क्योंकि जब उनको पता चल जाता है कि ये अच्छे लोग हैं तो आप कई लोग कहते हैं कि मैं अकेला कर नहीं पाऊंगा ये बिजनेस हाँ बिल्कुल आप सच कह रहे हो ऐसे बोल रहे हैं उनको कि आप बिल्कुल सच कह रहे हो आप अकेले बिल्कुल नहीं कर, करोगे ना मैंने अकेले ने किया अकेले जो बिजनेस बहुत मुश्किल है मगर आपके साथ अगर वो लोग हैं जो डायमंड हैं जो एमरल्ड हैं जो डी डी हैं जो बहुत पैसा बनाते हैं अगर आप वो आपके साथ हो तो फिर आप कैसे सोचते हो फिर आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओ फिर उसे रहलाता कि हाँ फिर मैं फिर तो हो सकता है ऐसे छोटी छोटी बातें हैं लोग कई तरह की बातें आपको एक्सक्यूज करेंगे ये वो करेंगे आपकी स्किल है ये जैसे जैसे आप क्योंकि जैसे जैसे आप ये सारा कुछ करोगे लोगों को मिलोगे तो आप इन बातों का आपको ज्ञान होता चला जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक इफेक्टिव ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है कैसे करनी है कैसे लोगों को प्लग करना है इस सिस्टम में तो ये सारा कुछ आपको पता चलता जाएगा इट्स वेरी सिंपल बिजनेस बट आपको सीखना पड़ेगा हम आज डायमंड लेवल पे हैं और हम ऐसे ही नहीं हो गए हमने सीखा है हमारे दिमाग में पता नहीं कितनी किताबें जा चुकी हैं कितनी टेपें जा चुकी हैं कितने लोगों के साथ मिल चुके हैं जो करोड़ों रुपये बिजनेस से बनाते हैं और हमने जब लोगों के साथ प्लान दिखाने जाते थे कई तरह तो कई तरह के हमें नोज मिलती थी कई तरह के लोग ऑब्जेक्शन करते थे कई लोग बिजनेस में नहीं आए पर कई लोग आए और हम डायमंड चले गए तो ऐसे अगर आप कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली ये सारा कुछ करते जाओगे तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है अकेले मेरे से नहीं होगा ये तो अगर अकेला करने की कोशिश करोगे फिर नहीं होगा मगर पूरी टीम आपके साथ है और यू हैव टू बिकम ए गुड टीम प्लेयर और आपके अगर सपने हैं आपने बच्चा उनको ये बताना है कि अगर आप के बच्चों को बढ़िया एजुकेशन देना चाहते हो आप बढ़िया घर में रहना चाहते हो आप बढ़िया दुनिया भर की सैरें करने चाहते हो अगर क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं लाखों लोग हैं जो ये चीज़ें प्राप्त कर चुके हैं आपके सामने बहुत लोग हैं मैं जानता हूँ बहुत ऐसे लोगों को थर्ड पार्टी अप्रोच करनी होती है अपना सीधा मैं मैं ज़्यादा नहीं करनी होती क्योंकि जस्ट थर्ड पार्टी किसी का नाम लो मैं ऐसे डायमंड को जानता हूँ मैं कैमरिल्ड को जानता हूँ बहुत सक्सेसफुल हैं आप ही जैसे सरकमस्टांसेस से बिल्कुल आप ही जैसे थे मगर आज बहुत आगे निकल चुके हैं तो हम भी सब अगर मिलकर इसको करें तो हम कर सकते हैं तो वो थोड़ा नॉडिंग करें थोड़ा स्माइल करें थोड़ा आई कंटैक्ट रखें और थोड़े सेंसियर रहें किसी को वो वर्गलाने की कोशिश मत करो किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो बी गुड एट योर हार्ट थोड़े अच्छे रहो उनके साथ और सचमुच उन लोगों को पता चल जाएगा जो आपके दिल की भावना है आपके चेहरे पे आ जाएगी उन लोगों को पता चल जाएगा कि जे जो बातें कर रहे हैं जे ठीक बातें हैं और वो अच्छा लगेगा उनको आपके साथ ज्वाइन करने में तो आप उनको बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हो तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है अभी जो मेरा एक्सपीरियंस था तो आप अपने अपलाइन के साथ चेक कर सकते हो अगर इसमें कुछ थोड़ी एब्रेशन है थोड़ा कुछ कंट्राडिक्ट्री है तो जैसे आपकी अपलाइन कहती है आप उनसे बात करके करो मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और अगर हम डायमंड जा सकते हैं आप सब लोग डायमंड सकते हो करोन जा सकते हो एंड वी वर्ल्ड थैंक मच मेरा नाम रणधीर मांगट है हम इस बिजनेस में कोई छह साल पहले आए थे और आज हम बहुत ही सक्सेसफुल हैं हम कैसे सक्सेसफुल हुए क्योंकि हमने भी इस बिजनेस को वैसे ही देखा था जैसे आम लोग देखते हैं हमारे पास भी ऑब्जेक्शन थे हमारे पास भी कुछ एक्सक्यूज भी थे और धीरे धीरे हमने इसको सीख लिया कि सब चीज़ों को कैसे मैनेज करना है एक था कि हमारे पास ड्रीम्स बहुत बड़े थे हमने उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमने इस बिज़नेस को सीखा जब भी हम अब किसी को इस बिजनेस में लाते हैं तो हमें भी छोटे छोटे ऑब्जेक्शन सुनने को मिलते हैं जो छोटे छोटे जो ऑब्जेक्शन हैं आज हम आपको बताएंगे कि इनको कैसे हैंडल करना है जैसे लेडीज़ के बारे में बोलूँगी कि लेडीज़ के पास एक बहुत ही ये होता है कि हमारे पास तो बच्चे हैं हम उनको कैसे छोड़ के जाएंगे बच्चों को जस्ट छोड़ना नहीं होता है हमने अपने बच्चों को छोड़ा नहीं है हमने टाइम को मैनेज किया है हमने बच्चों को भी देखा है और इस बिजनेस को भी देखा है हमने जो हमारा अनप्रोडक्टिव टाइम होता था टीवी देखते थे जिस टाइम में उस टाइम में हम इस बिजनेस को बिल्ड करते थे जैसे बच्चों को पहले देखते थे अब भी वैसे ही देखते हैं एक हमारा ये था कि हमने ये सोचा कि करना किस लिए है बच्चों के लिए ही तो करना है तो इन बच्चों को ही हम बहुत बढ़िया लाइफ दे सकते हैं हम खुद अच्छा लाइफ ले सकते हैं वर्ड की ए, सैर कर सकते हैं बच्चों का क्या है बच्चों की जो मेमोरी होती है वो बहुत शॉर्ट होती है बच्चों को कभी याद नहीं रहेगा कि मम्मी पापा हमें छोड़ के चले जाते थे उनको सिर्फ वो याद रहता है जो हम उनको देते हैं आज जो हमारे बच्चों के पास है वो उनको याद है ये हमारा जस्ट एक एक्सक्यूज़ था हमने इसको मैनेज कर लिया है अगर मैनेज करने से इतना अच्छा लाइफ मिले तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है ऐसे कहते हैं कि किसी जगह जाना है मान लो किसी पहाड़ में कोई मंदिर है उस, उसके ऊपर हमने जाना है तो हम कभी नहीं गिनेंगे कि इसके कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी हमें सिर्फ ये ही सोचेंगे कि हमने वहां पहुंचना है ऐसे ही हमने सोचा था कि हमने डायमंड जाना है और जो भी करना पड़े हम करेंगे तो हमने अपने आप अप सब कुछ मैनेज कर लिया और जो हमारे पास सिस्टम है बहुत ही बढ़िया है विनर्स लोग इस सिस्टम में हैं जो लोग हमें सिखाते हैं इस सिस्टम में विन विन सिचुएशन है हम सब इकट्ठे ग्रो करते हैं और धीरे धीरे सीख जाते हैं सब कुछ बाकी है लेडीज का के हमारे पास ये होता है कि सर्वेंट काम करता है हम प्रोडक्ट्स कैसे यूज करेंगे हम उनको कैसे करेंगे ये देखो हमने तो सिर्फ यही सोचा था कि ये जो सर्वेंट है उसको हम सिखा देंगे कि डिस्ट्रॉप कैसे यूज करना है एलओसी कैसे यूज करनी है क्योंकि जो हमारा सर्वेंट है वो तो डिसाइड नहीं करेगा कि हमें कैसा लाइफ चाहिए और कई बार हम लेडीज़ का एक और होता है ऑब्जेक्शन के प्रोडक्ट्स महंगे हैं प्रोडक्ट्स क्यों महंगे हैं क्यों महंगे लगते हैं क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है हम धीरे धीरे नॉलेज ले लेंगे सीख जाएंगे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ले लेंगे तो यही जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमें महंगे नहीं लगेंगे पर जो सस्ते लगेंगे और दूसरा ये है कि हमने प्रोडक्ट्स में क्या देखा हमने प्रोडक्ट्स में सिर्फ यही नहीं देखा कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं हमने ये देखा कि इन प्रोडक्ट्स के बीच में हमारे बंगले हैं हमारी गाड़ियां हैं हमारे बच्चों के लिए लाइफ स्टाइल है तो हमने वो जो, जो बाजार वाले प्रोडक्ट्स हैं वो छोड़ करके इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया दूसरा क्या था कि जो असली हाइजीन है वो हमारे घर से स्टार्ट होती है अगर हमारे घर में अच्छे प्रोडक्ट्स यूज नहीं हो रहे हैं केमिकल यूज़ हो रहे हैं तो क्या है कि कोई भी आदमी नहीं चाहता कि हम अच्छे प्रोडक्ट्स यूज ना करें सब चाहते हैं कि हम अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करें और अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने से हमें इतना बढ़िया लाइफस्टाइल मिलेगा आज तक हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते थे उसका हमें मालूम ही है कि हमें क्या मिला है और इसलिए हमने वो प्रोडक्ट्स यूज करने स्टार्ट कर दिया उसका सीखना स्टार्ट कर दिया जब हम इस बिजनेस में काम करने लगे सिस्टम में आए सिस्टम में आकर के हमारे जो ड्रीम्स थे धीरे धीरे खुलने लगे और उन ड्रीम्स के लिए हम काम करने लगे क्या है कि बच्चों को सिर्फ लाइफ ही नहीं मिलता बच्चों को वैल्यूज मिलती है पैसा तो मिलता ही है लेडीज कहती है क्या करना है इतना पैसा बच्चे खराब हो जाएंगे बच्चों को ये हो जाएगा बच्चे खराब कब होते हैं जब उनको खाली पैसा मिलता है हमारे बच्चों का क्या है हमारे बच्चों ने हमें स्ट्रगल करते हुए देखा है स्टेप वाइज हमें काम करते हुए देखा है क्योंकि इस सिस्टम में पैसे के साथ वैल्यूज मिलती हैं और वैल्यूज कैसी हैं जैसे हमारे घर में अगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ सक्सेसफुल लोगों की कैसेट सुनते हैं तो हमारे बच्चे भी सुनते हैं जैसे ही हम एसोसिएशन में रहेंगे वैसे ही हम बनना चाहेंगे इसलिए हमारे अंदर धीरे धीरे हमारे अंदर हमारे बच्चों के अंदर ये वैल्यूज आनी स्टार्ट हो जाती हैं कि हमें कैसा बनना है और हमारे बिजनेस में बहुत ही बढ़िया एक बात ये भी है हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि हम भी ऐसे बनेंगे आज जो हमारे बच्चे हैं उनके हीरो जहाँ कोई और फिल्म एक्टर नहीं है उनके हीरो हम हैं हम हैं हमारी टीम के और मेंबर्स हैं कई बार लेडीज बोलती हैं कि मैं तो जॉब पे जाती हूँ तो पांच बजे आती हूँ मेरे पास टाइम ही कहाँ होता है बिल्कुल सही बात है उनके पास टाइम नहीं होता है हम उनको बोलते हैं बिल्कुल सही बात है आप ठीक बोल रहे हो आपके पास टाइम नहीं है बट मैं कुछ ऐसी लेडीज को मिली हूं जिसकी पोजिशन बिल्कुल आप जैसी थी उनके पास भी टाइम नहीं था वो भी ऑफिस जाती थी जॉब करती थी और हमने जब उनको प्लान दिखाया उन्हें सिस्टम को देखा और उनको पता चला कि हम टाइम निकाल सकते हैं ये हमने जॉब वाले टाइम में नहीं करना है जो हम टीवी में टाइम वेस्ट करते हैं जहाँ गॉसिप करके वेस्ट करते हैं वो ही एक आधा घंटा इसमें लगाना है अगर हमारी अचीवमेंट है तो ठीक है अगर हमारी प्रॉब्लम है तो हम इस सिस्टम में आके इस बिजनेस को देख के हम उसको ठीक कर सकते हैं और ऐसे ही हम बिजनेस में आगे बढ़ते रहते हैं अगर हम अपने सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हैं और इस बिजनेस में खूबियां तो इतनी है कि हम आज आपको सब कुछ नहीं बता सकते लेकिन इस बिजनेस में आके हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है इस बिजनेस में आके हम सीखते रहते हैं एक दूसरे से सीखते हैं ये नहीं है कि हम अकेले ही इसमें काम करते हैं इसमें एक टीम होती है और टीम के साथ जहां जहां टीम जाती है वहां वहां हम पहुंचते जाते हैं यही है कि हमने सक्सेसफुल लोगों की एसोसिएशन में रहना है और डायमंड का लाइफ बहुत ही बढ़िया है अगर आपने ये थो लाइफ लेना है तो थो थोड़ा थो सा प्राइस पे करना पड़ेगा क्या प्राइस पे करना पड़ेगा यही है कि लोगों को मिलना पड़ेगा जो उनके ऑब्जेक्शन हैं उनको हैंडल करना पड़ेगा उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा उनको सन्सियरली एडवाइज करना पड़ेगा कि हम ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं हम लोगों को ऐसे नहीं बोलते हैं कि उनकी ईगो हर्ट करते हैं कि नहीं आपके पास तो टाइम है आप ऐसे ही बोलते हो ऐसा कुछ नहीं है उसको हमने ये यकीन दिलाना है कि हम सब मिलके कर सकते हैं यही है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सब जगह हमने बैलेंस क्रिएट करना है ये नहीं है कि हमने बिजनेस कर लिया तो बिजनेस में ही है और जो लेडी होती है वो बहुत तरह के रोल अदा करती है उसने अपने हस्बैंड को देखना है घर को देखना है बच्चों को देखना है सब जगह उसने देखना है अगर हम मैनेज कर लेते हैं तो क्या क्या हमें मिलने वाला है हमें दुनिया भर की सैरें मिलनी है हमें अच्छा लाइफ मिलना है और बहुत बढ़िया लगता है अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं कैसेट सुनते हैं फंक्शंस में लोगों को मिलते हैं जब अच्छी बुक पढ़ते हैं तो ग्रो करते हैं और लोगों के साथ जब बातें करते हैं तब भी ग्रो करते हैं तरह तरह के क्वेश्चन मिलते हैं सब कुछ मिलता है ये नहीं है कि हम कैसे करें सब कर सकते हैं सिर्फ सीखने की बात है